राबिया हैं यूपी से, उनका रुख कर लेते हैं। जी राबिया, कैसी हैं आप, बताएं क्या सवाल है आपका हकीम साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे वालिद साहब को जॉइंट में पेन रहता है और उन्होंने कैप्सूल्स खाए हैं 3 महीने, लेकिन उनको मुकम्मल आराम नहीं पहुंचा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कोई और दवाई उनके लिए। ठीक है, देखिए मुकम्मल आराम नहीं है तो यानी आराम है। अच्छा, यूनानी से आप बहुत जल्दी आराम की उम्मीद ना रखें, ये और बात है किसी किसी को बहुत जल्दी आराम आ जाता है, लेकिन हम सबको कहते हैं कि 2-4 महीने, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। यूनानी ने अगर फ़ायदा शुरू कर दिया तो आपको मुकम्मल फ़ायदा हो जाएगा। एहतियात आप पर लाजिम है, और जितना भी उनको फ़ायदा है 50% 70%, तो आप समझ लीजिए कि अगर उन्होंने 2 महीने खाया और उनको 50% फ़ायदा है, तो फिर 2 महीने और लगातार दीजिए, और ऊपर वाले से मदद भी मांगिए, क्योंकि ये दवाएं उसकी इजाज़त से असर करती हैं। और आप ज़्यादा फिक्र ना करें, यही दवाएं फ़ायदा करेंगी, और इससे तेज़ दवाएं भी आप ले सकते हैं। हमारे डॉक्टर से जिनसे आप दवाएं ले रहे हैं उनसे बात करिए, और उसी दवा की प्रोटेंसी भी वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके वालिद को फ़ायदा होना मुमकिन है। तो सब्र रखिए, और जिस तरह से आपने दवाई ली है उसको आगे भी आप कंटिन्यू रखिए, और जैसे कि हकीम साहब ने बताया कि फ़ायदा होना यहाँ पर मुनासिब है। एमपी से कॉलर हैं शहनाज, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी शहनाज बताएं, आप क्या पूछना चाहती हैं हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरी अम्मी हैं, उनके घुटने में बहुत दर्द रहता है और वो उनका बीपी बहुत हाई रहता है, तो उसके लिए कुछ। उम्र कितनी है उनकी शनास, उम्र बताएं। 35 साल की। ठीक है। अच्छा देखिए, बीपी तो आप तो उनका ज़्यादा नहीं कर देती, कभी आप कुछ ऐसी हरकत करती हो कि उनका बीपी हाई हो जाता हो, अगर आप कर रही हैं तो आप बाज आ जाइए। और कोई बीमारी है तो फिर 4-5 लहसुन सुबह, 4-5 लहसुन के पीस शाम को चबा के खिलाइए उन्हें निवालों के साथ। और जोड़ों का दर्द में तो हम बहुत कामयाब हैं, आप उनकी रिपोर्ट भी हमसे शेयर कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे से भी इलाज कर सकते हैं और बाकायदा दवा भी ले सकते हैं। घरेलू नुस्खे में आप देखिए, गौंसिया और सौंफ, धनिया, 3 चीज़ें लीजिए, बारीक पाउडर बनाइए और 1-1 ग्राम सुबह शाम अपनी वालदा को दीजिए, पानी से, दूध से, जूस से। सब्र करें, 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है कम से कम, और किसी किसी का तो और ज़्यादा बढ़ जाता है 2-4 दिन के लिए। तो अगर यूनानी इलाज नहीं किया तो समझ लीजिए, लेकिन 1 महीने में एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है, और अगर ऐसा हो तो फिर आप जितनी मुद्दत इलाज करना हो उसे मुकम्मल कर लें, आपकी वालदा को फ़ायदा मुमकिन है। यूनुस भी हमारे साथ हैं मेरठ से, उनसे भी बात कर लेते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हकीम साहब का बात करने के लिए। जी यूनुस बताएं, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जी बताएं यूनुस, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमारे फादर जो हैं, जिनकी एज जो है 85 ईयर्स है, उनकी जो खांसी है वो खांसी ठीक नहीं हो रही, हमने एलोपैथिक इलाज भी कर लिया काफी, तो उनके लिए बताइए आपको यूनानी नुस्खा हो जो भले ही चाहे 1-2 महीने बाद आराम करे, इससे आराम हो जाए। अच्छा देखिए, इसके लिए माजून आर केयर ले सकते हैं। माजून आर केयर फ़ायदा तो करेगी 2-4-6 दिन बाद, लेकिन वो खांसी को जड़ से निकालेगी, और घरेलू तौर पर आप उनको सपिस्तान का 1 चम्मच लें, ये फल है एक सूखा मिलता है, और पानी में उबाल के रोज़ाना पिलाया करें।
आपके घर में जो पीपले हैं वो एक छोटा सा चने की बराबर ऐसे तोड़ के उन्हें दीजिए, चबा के खा लिया करें दिन में 2 मरतबा, इससे भी खांसी रुकना मुमकिन है। सना दिल्ली से हैं। जी सना, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बढ़िया। आप बताइए, आप ठीक हैं? जी बताएं, आपका क्या सवाल है? जी मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। मुझे ये पूछना था कि मेरी अम्मी हैं वो 60 इयर्स की हैं और उनकी ना बैक में बहुत पेन है और नेक में भी बहुत पेन है उनकी गर्दन में, और रात को नींद भी बहुत आती नहीं है बिल्कुल। हेल्दी तो इसके लिए मुझे मम्मी जी हेल्दी? सही है, मतलब हाँ नहीं ठीक है, बस ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। सना आप कहाँ रहते हैं? मैं वजीराबाद में, दिल्ली। ठीक है। और गर्दन में ना उनके सूजन आ जाती है पीछे की साइड। हकीम साहब मैं समझ गया, देखो उनको प्रॉब्लम है सर्वाइकल की और साइटिका की। सर्वाइकल कहते हैं यहाँ जो हमारे डिस्क अपनी जगह से जुम्बिश करते हैं, इसकी वजह से दर्द, सूजन, चक्कर। दर्द भी होता है, चक्कर भी आते हैं, सूजन भी होती है और बहुत तकलीफ और परेशानी होती है। तो इसके लिए एक्सरसाइज करें, और जो उनके कमर में दर्द है उसके लिए भी कुछ हिदायत और एक घरेलू नुस्खा। हिदायत यह है कि देखिए ये ऐसे उनको रोज़ाना करते रहें, जितना भी उनमें हिम्मत हो ये एक्सरसाइज करते रहें, और उनको बेड पर ऐसे लिटा दीजिए, जिस तरफ पैर रखते हैं उस तरफ सर करा दीजिए उनका, और सर का हिस्सा नीचे लटका दीजिए, बाकी उनको ऐसे बेड पर लिटा दीजिए। ऐसा वो लेटेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, और वो यहाँ पर सूजन सी हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी, वो हिस्सा एक मोटा सा हो जाता है। वहाँ पर मालिश भी करा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं अपने वालिदा की। अच्छा एक दवा मैं बता रहा हूँ, अलसी जो आपके किचन में है, 150 ग्राम, 150 ग्राम गौंद सिया, काफ़ी महंगा गौंद है और बहुत कड़वा गौंद है और बहुत नकली मिलता है, ये देख के लेना। इसका दोनों को हम वजन लेकर पाउडर बनाएं, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खिलाएं, और अगर 1 महीने में ठीक भी हो जाएं तो 3 महीने खिलाइए अपनी वालदा को। मुझे उम्मीद है इनकी तमाम तकलीफें ठीक होना मुमकिन है। शबनम है दूसरी कॉलर हमारे साथ यूपी से, उनसे बात करते हैं। शबनम आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? जी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत है। जी ब्लड प्रेशर हाई है जी। वाले सलाम, वाले सलाम। जी बताएं। हाँ देखिए ये काफी है ब्लड प्रेशर, आपकी उम्र क्या है? 36 साल। इस उम्र में ये ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं। अच्छा वक्ती तौर पर तो आप रोज़ाना 2-3 चम्मच लौकी का जूस पिया करिए, ये फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। लेकिन मुस्तकिल तौर पर आपको रोज़ाना 5 लहसुन सुबह 5 लहसुन शाम चबा के खाने, एक निवाले में एक, 5 निवालों में 5, जब भी खाना खाएं ये लहसुन खाना शुरू करें। जो दवा लेते हैं वो अभी लेते रहिए, आप देखेंगे कि 1-2 महीने बाद आपका ब्लड प्रेशर ज़रूरत के मुताबिक आने लगा तो आपकी एलोपैथिक दवा छूट जाएगी, और ये काफ़ी दिन तक चलाते रहिए, आपका ठीक होना मुमकिन है। तनवीर बेगम गाज़ियाबाद से, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वक्त कम है, कॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं। जी बताएं तनवीर, आपको क्या दिक्कत है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात ये कि हमारे भाई सऊदी में रहते हैं, उनकी दवा की दुकान है जड़ी बूटी की, और अरबी में स्याह गोंद को क्या कहते हैं ये मालूम करना है। और हमारी दवा चल रही, पहले हमारे पैर में दर्द है, हमारी उम्र है 56 साल, हमारे पैर में दर्द थी 1 साल, बहुत साल से 25 साल से, मगर हमने 1 साल पहले लिया 3 दिन बाद तो बिल्कुल सही हो गई थी दर्द। उसके बाद में ठीक हो गई तो हमने छोड़ दिया। उसके बाद में 8-9 महीने के बाद फिर बहुत ज्यादा दर्द हुई, तो अब हम दवा खा रहे हैं, 4 महीने हो गए हैं, 4 डिब्बा, 5वां डिब्बा चल रहा है।
तो अब हमको दवा छोड़ने में डर लग रही है कि कहीं फिर से दर्द न शुरू हो जाए। ये आपको मुकम्मल फायदा हो गया या कुछ रह गया? नहीं, मुकम्मल फायदा नहीं हुआ। जैसे कि खड़े होते हैं देर तक, किचन में खड़े हुए कोई काम कर लिया तो बिल्कुल एक पैर ही बेकार हो जाता है। घुटना भी, घुटने में तो हमेशा थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी दर्द होती है। आराम करते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, अगर काम कर लिया, खड़े हो गए या चलने लगे तो एक पैर में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये दवा हम कब तक खाएं? चार डिब्बा हो गया, पांचवा शुरू हो गया। अच्छा, वजन आपका ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, वजन तो ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। बहुत मोटे थे मगर बहुत बीमार उमार पड़ने की वजह से बहुत दुबले हो गए। हार्ट की भी बीमारी है और हमारे नाक से भी खून आ चुका है। तो हम और आप ठीक है? ठीक है। अच्छा देखिए, ये दवा अभी आपको और खानी है, क्योंकि जो आपने कहा ना वही मामला है कि मैं इसी शो में शायद कह रहा था कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। आपको दो चार दिन में फ़ायदा हो गया और आपने वो छोड़ दी, फिर उसका खमियाजा आपको कुछ उठाना पड़ेगा। अच्छा, वज़न उठाने की मत उठाया करिए वज़न। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और बहुत मेहनत ना करें, ये लाजिम है। और आप जो ख्वातीन दुपट्टा ओढ़ती हैं, एक मलमल का, पता नहीं आजकल ओढ़ते नहीं ओढ़ते, मलमल का दुपट्टा जी, बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ, बहुत सॉफ्ट होता है। उसको ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, ऐसे लपेट के, और आप सीधे लेट के उस जगह पर जहाँ पर आपकी कमर में दर्द है वहाँ पर रख के और सीधे लेट जाया करिए। ये अमल आप शुरू करें। अच्छा, आपका सवाल कि गौन सियाह को अरबी में क्या कहते हैं, तो अरबी में सर्च करें, आपके भाई जिनकी दुकान है तो पता चलेगा। वैसे आबनूस एक पेड़ है जो सूरत में बिल्कुल काला होता है, और इतना काला होता है कि उसकी लकड़ी की बांसुरी बनती थी कभी, तो उसे आबनूस कहते थे। इसे आबनूस का भी गोंद कहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मिलता, हमने तो बड़ा इंतज़ाम किया हुआ, इसके बागात लगाए हुए, तो वो सर्च कर लेंगे इंशाल्लाह और समझ जाएंगे। जायके में बेहद कड़वा होता है, यानी इंतहाई कड़वा होता है, लेकिन उसका खुराक भी आधी ग्राम है या उससे भी कम, एक खुराक बस इतनी सी है। महंगा तो बहुत आता है, लेकिन अगर असली है तो कोई महंगा नहीं, क्योंकि वो 150-200 ग्राम आपका पूरा इलाज है, क्योंकि आधा ग्राम खाना है आपको, तो उस हिसाब से तो 20-30 रुपये रोज़ाना की दवा पड़ती है और आप ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वो 150 ग्राम या 200 ग्राम गोंद आपका 3 महीने से भी ज़्यादा चलता है, 3 महीने में बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन। नियाज़ुद्दीन भी हमारे साथ हैं पुणे से। जी नियाज़ुद्दीन जी, बताएं आपको क्या तकलीफ, क्या दिक्कत अभी? सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। रहीम साहब सलाम अलैकुम आपको भी। वालेकुम सलाम। मैं उनको थोड़ा सा, उनको थायराइड भी था और बीपी भी है ज्यादा, और कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है। उनकी एज है 48 इयर्स और एज 64 केजी। जी, तो थायराइड तो मैंने चेकअप कराया था, थायराइड हुआ था, लेकिन अभी जो थायराइड की मेडिसिन चल रही है उससे थोड़ा सा थायराइड कम हुआ है। बट पैरों में इतना ज़्यादा सब पेन हो जाता है कभी कभी, और पैर पूरे झंझनाट, जो घुटने वगैरह है ना, पूरा झंझनाट होता है उसमें, ठीक, वाइब्रेशन टाइप होने लगता है। ठीक है, ठीक। चलिए देखिए, एक नुस्खा बताता हूँ आपको, और उनसे कहिए कि बहुत वज़न ना उठाया करें, बहुत मेहनत ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, ज़मीन में बैठने की भी एहतियात करें, और आसानी से ठीक हो सकते हैं। देखिए, 300 ग्राम धनिया लीजिए और उसको पाउडर बना लीजिए, और ये धनिया एक चम्मच लीजिए, और गौंद सियाह 100 ग्राम लीजिए, इसका पाउडर बनाइए, और इसमें एक चुटकी में जितना गौंद से आता है इस धनिया में मिलाइए, और सुबह निहार में खिला दिया करिए, वो जो थायराइड की गोली खा रहे हैं उसके साथ में, और
एक यही खुराक इनको शाम को भी देनी है। मुझे उम्मीद है इनके दोनों इमराज ठीक होना मुमकिन है।